सो वेलकम बैक वंस अगेन इन एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट। तो आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट टू लेके चल रहे हैं और हमारे पहले 19 क्वेश्चन हो चुके थे, इसमें हमने आपको थ्योरी, मैक्सिम्स, टर्मिनोलॉजी और एमसीक्यूज कराए थे। तो आज हम उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज ये कंक्लूडिंग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारे मेन बेसिक क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कई सेक्शन बताए थे, ईयर्स बताए थे, तो आज हम आगे को लेकर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है एन एग्रीमेंट एंटर्ड अपॉन बाय ए माइनर इज, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि माइनर के साथ आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्यों वॉइड माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी केसेस होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था म्यूचुअल कंसेंट के केसेस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकैपेसिटी, इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पिछली क्लास में आपने देखा होगा इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आया था जिसको वॉइड मान लिया गया था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज, तो तीन तरह के आपको बताए थे। पहला क्या था, वॉइड, नल एंड वॉइड, वॉइडेबल एक पार्टी सही थी एक पार्टी गलत थी, और वैलिड बिल्कुल सही था। इलीगल अलग चीज हो जाती है तो उसमें लॉ बिल्कुल शामिल नहीं होता। तो इसका अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड जो होता है वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ध्यान देना। वॉइड में तो शुरू से ही पंगा, वॉइडेबल मतलब एक पार्टी तो सही है ना, उसकी वजह से गलत हो रहा है दूसरी की वजह से, तो पहले तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट विच हैज नो लीगल इफेक्ट इज कॉल्ड, उसमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं आ रहा। सुनना है, एन एग्रीमेंट विच हैज नो लीगल इफेक्ट, तो किसके ऊपर लॉ इफेक्ट नहीं होगा, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड हो गया, उसमें कोई मायने नहीं रखता किसी भी चीज का। आगे चलते हैं, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ द्वारा एनफोर्स किया जा रहा है तो वो तो बिल्कुल सही माना जाएगा, और सही के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट एनफोर्स, जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल भी लेके नहीं चलेगा। तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो लॉ वाला चाहिए, उसमें इलीगलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया, इलीगलिटी। अगला क्वेश्चन बन रहा है, एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हु आर लिविंग इन फ्रेंडली इंटरकोर्स आर डायरेक्ट प्रॉमिसेस, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो वो डायरेक्ट प्रॉमिसेस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस दे आर कॉल्ड, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, दोनों बंदे आपस में प्रॉमिसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो इस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए तो रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक तरह से आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि वो सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे तो आपको एक मिनट में पता चल जाएगा। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, रिलेशन विच क्रिएट ऑब्वियशंस रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड, दोबारा देखो, रिलेशंस विच क्रिएट ऑब्वियशंस रिजेंबलिंग दिस क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब क्या है, एक बार समझ सकते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस लाइन को हम समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, ये तीन पार्ट समझ सकते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के। पहला है नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते तो कॉन्ट्रैक्ट है बट बेसिकली ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो इसमें होता क्या, एक तरह से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि भाई आपने कुछ किया तो उसके बदले में आप कुछ कर दोगे, बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कि जबरदस्ती देना पड़ेगा एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे सपोज कोई आपका खास बंदा माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं है, आपने उसके ऊपर उसको पढ़ाई में स्कूल में एडमिशन कराया, उसकी ट्यूशन लगवाई, उसको खाना पाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, और आपको पता है कि वो उसके पास पैसे तो है, तो वो जितनी नेसेसरीज में आपने उसके ऊपर खर्च किए हैं वो उसके लिए आप उसको ले सकते हो, ठीक है। जैसे एक बहुत ये एक फिल्म आई थी हमारे ज़माने में
नाम नहीं याद आ रहा, राजू चाचा लाइक दिस, अजय देवगन की थी। उसमें यही था कि एक बहुत बहुत बिलियनियर के बच्चे होते हैं और वो बिलियनियर के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो सब लोग उन बच्चों को पालने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया बच्चों के नाम पे तो अभी कुछ नहीं है 18 साल तक, अभी इनकी प्रॉपर्टी में हम लुक आफ्टर करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे लाइक दिस, खर्चा करेंगे चवनी ले लेंगे 1 करोड़, ठीक है हमने इतना खर्चा किया। तो कहने का ना नेसेसरीज के नाम पर आप ले सकते हो, तो ये एक तरह से कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नंबर टू बन जाता है क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का मतलब ये हो जाता है जैसे सपोज मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे को उसका काम पसंद नहीं आ रहा लेकिन उसने काम तो कर लिया, मतलब जितना भी किया हमने बीच में छुड़वा दिया, तो जितना काम उसने किया उसके तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है चाहे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दें हम, तो वो क्वांटम मैरिट का मतलब मैरिट के हिसाब से उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। तीसरा फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स। अब भैया अगर आपके पास कोई चीज़ गिरी हुई मिली है तो आपकी थोड़ी ना होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में तो वही होता है ना, मैंने बेच दी वो आपकी चीज़ होगी उसके ऊपर राइट हो गया, आपको गिरी हुई मिली आपने ले लिया, जैसे घड़ी किसी की गिरी है मोबाइल फोन आपका थोड़ा ना हो गया, ऐसे में तो उल्टा आपको जेल भी हो जाएगी कि कल को बोलेगा चोरी करके लेके आया, तो जैसे आपको मिला तो आप अगर हो सकेगा तो पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म करोगे, हो सकता है सामने वाली पार्टीज को बोलोगे कि सर मेरे को ये मेरे को यहाँ पे मिला मेरा इतना खर्चा हुआ लाइक दिस, और फिर वो आप उसके लिए उससे ले सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, बट इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन कि भैया इसके लिए आप कुछ ना कुछ रीइंबर्स कर दो। दिस इज क्लियर हो गया होगा, तो इससे इन केसेस से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो कल को पूछे कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह की टाइप्स में जाते हैं, तो इस तरह की टाइप्स में मिल जाते हैं। तो पहला क्या बताया था, नेसेसरीज, दूसरा क्या बताया क्वांटम मैरिट, तीसरा क्या बताया फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स। तो आंसर वही बन गया एक तरह से रिलेशनशिप है, ठीक है आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इज, तो सिंपल पहले वाले के आंसर आ रहे हैं कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने बताया था ऑब्लिगेशन है तो वो क्या बन जाएगा कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वांटम मैरिट, अभी मैंने बताया आपको क्वांटम मैरिट, तो क्वांटम मैरिट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जितना काम किया उसके ऊपर तो आप सॉरी प्रोपोर्शनल ऑफ अर्निंग वाला, जितना काम मैंने काम कराया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उतना देर को तो दो। जैसे कई लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक मजदूर को लगाया आपने घर पे, मजदूर ने काम करना शुरू कर दिया, आपने 2 घंटे के बाद बोल दिया मतलब सुबह 10 बजे से दिहाड़ी शुरू है शाम के 6 बजे तक, आपने 12 बजे बोला इतना हल्का हल्का काम कर चल भाग जाए यहाँ से, वो कहेगा भाई साहब एक बात बताओ 12 बजे मेरे को छुट्टी कर रहे हो पहले बता देते आप, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा पूरी दिहाड़ी भी मेरे तो 1000 रुपये की या 700-800 रुपये की, तो आप आपको उसको मिनिमम हाफ डे का या 2-3 घंटे का आपको रीपे करना पड़ेगा। तो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ यू कि यू हैव टू पे इट, ठीक है। तो क्या बन गया आंसर प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग। ये देख रहे सारे आप कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन मिलते मिलते डालते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। फाइंडर मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स फाउंड एंड शुड नॉट अप्रोप्रिएट इट, दिस इज प्रोवाइडेड इन, तो ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सिर्फ सेक्शन का नाम बताना है आपको, सेक्शन 71, ठीक है। अगला बेली मीन्स, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बेली का मतलब क्या होता है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, क्योंकि वो बेलर नहीं है वो बेली बन गया मतलब उसने लिया मिली है उसको। अगला अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 87 कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस आर मेंशन इन, तो सेक्शन कौन से मेंशन है 68 से 72, कॉजिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से मेंशन है 68 सेक्शन से 72, याद करने के लिए 72 वाला भी था तो 4 पीछे हो गए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम बता चुके हैं ना, ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन बन जाता है अदरवाइज और कुछ नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी को लेके नहीं चलते। फ्रस्ट्रेशन लीड टू द डिसोल्यूशन, तो जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड ऑलवेज, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से क्या होगा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा ना, बंदा कर ही नहीं पा रहा तो वो ऑटोमेटिकली ऑलवेज डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट द मैक्सिम लैक्स नॉन कॉजिक एंड इम्पॉसिबिलिटी, यह हम वैसे पूरा मैक्सिम की एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो नहीं कई सारी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको एक एक वर्ड्स को लेकर चलेंगे, बट फिलहाल दिस इज एन एमसीक्यू, तो हम इस एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली इसका मतलब देख लेंगे। लेक्स नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिया का मतलब यहाँ पे आ रहा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली जो इम्पॉसिबिलिटी है वो इसका मतलब है। ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था वही कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म। डेथ ऑफ द पार्टी, बंदा ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, और आउटब्रेक वॉर हो गई है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे ऑल ऑफ द बुक।
डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इज डेल्ट इन। तो कौन से सेक्शन में लेके चलते हैं? सेक्शन 56 के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 63 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेक्शन 63 के अंदर वो म्यूचुअल कंसेंट, ये मैंने कई बार डिस्कशन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई पार्ट भी बना दिए, जैसे कि मिस्टेक से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो वो सारा का सारा सेक्शन 63 के अंदर मेंशन है म्यूचुअल कंसेंट के अंदर। होप सो आपको बहुत बड़ा सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लियर हो चुका होगा, ताकि आप जितने भी आरसीज आएंगे, क्योंकि क्लैट के पेपर में तो आरसी है, बाकी सब में एमसीक्यू है, तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा। इसके ऊपर हम और भी एमसीक्यूज बनाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो काफ़ी बड़ा है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, तो आपको बेस बता दिया, सो दैट जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेस पता चलेगा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स वेरी इजीली। राइट, थैंक यू सो मच।